बटा बंद करो, बंद करो, अमित बंद करो। मुठभेड़ में एक अभियुक्त ऋषभ सिंह, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। एक सूचना मिली थी जिसके आधार पर शिवपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी समय पे कुछ अभियुक्त जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए शिवपुर से लोहता की तरफ भागे। उनका पीछा किया गया, क्राइम ब्रांच की टीम, लोहता की टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनके साथ पुलिस की जो मुठभेड़ हुई उसमें जवाबी फायर में अभियुक्त ऋषभ सिंह को गोली लगी, जिसमें उसके पैर पे गोली लगने से वो घायल हो गया। उसको हॉस्पिटलाइज किया है, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। JHP मॉल में जो हत्या हुई थी उसमें 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें से ऋषभ सिंह भी एक अभियुक्त था और इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम IG रेंज वाराणसी के द्वारा जो है घोषित किया जा चुका था। इसके पूर्व में अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से आलोक उपाध्याय और रोहित को क्राइम ब्रांच ने पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त कुंदन को बिहार पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन के दरमियान गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह से JHP मॉल हत्याकांड के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है और ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये एक बहुत ही जघन्य घटना थी जिसको पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन किया था और उन्हीं टीमों के परिश्रम के फलस्वरूप इस घटना का पूरी तरह से खुलासा हुआ और सभी अभियुक्तों की बहुत ही कम समय में गिरफ्तारी हुई। इसके संबंध में इनके खिलाफ जो है और भी विधिक कार्रवाई के ऊपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इनके ऊपर NSA और अन्य गैंगस्टर एक्ट वगैरह में भी कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही कम समय में पुलिस को एक अच्छी कामयाबी जो है हासिल हुई है। सर, कल की गिरफ्तारी में क्या किसी को चोट भी आई है क्या पुलिस स्टाफ? इसमें क्राइम ब्रांच का भी एक हेड कांस्टेबल को चोट आई है, उसको भी प्रथम उपचार देके जो है वो उसकी कंडीशन ठीक है। सर, तो